आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। वन ग्राम पिपल झोपा में अज्ञात जंगली जानवर ने बाप बेटे पर किया हमला, क्षेत्र में बना दहशत का माहौल। वन ग्राम पिपल झोपा में एक अज्ञात जंगली जानवर के हमले से बाप बेटे घायल हुए। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वही घटना गुरुवार शाम 7 से 8 बजे के बीच की बताई जा रही है। हमले में घायल हुए शोभाराम बडोले ने बताया कि नवरात्रि का दिन होने से पूजा का सामान खरीदकर बाइक से नवाड़ में अपने घर जा रहे थे, तभी रूपा कुंड पुल के पास अज्ञात जानवर ने दोनों पर हमला कर दिया। हम जैसे तैसे जान बचाकर भाग निकले और ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। वही घटना की सूचना मिलने पर पिपल झोपा के कांजीलाल मालविया घायलों को भगवानपुरा के शासकीय अस्पताल लेकर गए, जहां पर उनका उपचार किया गया। जंगली जानवर के काटने से रोहित के पैर में 3 टांके आए हैं। वही शोभाराम के पैर पर भी जानवर ने काटा है। दोनों का प्रारंभिक उपचार किया गया। जंगली जानवर के हमले में घायल हुए शोभाराम का कहना है कि शेर ने उन पर हमला किया है, लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वन विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। भगवानपुरा से रिपोर्टर विजय पाटिल की न्यूज। कब की घटना है? 7-1 बजे। कब? आज की? हाँ। तो कहाँ पर थे तुम? हम बाजार से आ रहे थे। बाजार से आ रहे थे? हाँ। तो कहाँ पर जा रहे थे? नवाड़ में। नवाड़ में? हाँ। तभी हमला करा? हाँ। और कौन घायल हुआ हमले में? हाँ? और कौन था साथ में? पप्पा। पप्पा को भी लगी चोट? हाँ। क्या नाम तुम्हारे? रोहित। 7:30 बजे आज की? आज की। कहाँ पर? पीपर जफा से आगे मोड़ में। और कौन था साथ में? मेरा लड़का था। लड़का था? हाँ। लड़के को कहाँ पर काटा? पाँव में। और आपको? मेरा भी पाँव में। पाँव में? हाँ। तो घर जा रहे थे? हाँ, घर जा रहे थे बाजार पर। तो कहाँ पर करा हमला? पीपर जफा से आगे, पुल से आगे मोड़ है नहीं वहाँ। क्या नाम लिखते हो? शोभाराम। ये शाम को 7:15-7:30 बजे के समथिंग समथिंग समय हो रहा था। ये पीपल जोपा से खरीदी करके माता जी का वो चल रहा था समारोह स्थापना, तो उसके लिए सामान लेने के लिए हिसाब से आए थे। बाप बेटे दोनों जा रहे थे बाइक से जा रहे थे रूपाकुंड पुल के आगे। शेर है कि जंगली जानवर है जो भी ये कह रहे बता रहे, शेर अंधेरे के कारण देख पाए नहीं देख पाए हैं, पर उन्होंने जंप करी तो इनको दोनों को बाप बेटों को लगा हुआ है। उसको बालक को ज़्यादा गहरा घाव है, उसको 3 टाँके आए हैं। पिताजी को थोड़ा कम है, ये आए मेरे को जैसे ही सूचना मिली वैसे मैं इनको लेके पीपल जोपा से भगवानपुरा हॉस्पिटल आया। इनका इलाज विधिवत हुआ है, उसके बाद अभी हम जा रहे हैं वापसी के लिए। अब जो भी फॉरेस्ट वालों को सूचना दे दिए आगामी साहब लोगों को, जो भी होगा वो कार्रवाई सुबह करके हॉस्पिटल पे हमने NOC वगैरह ले ली है। क्या नाम लिखते हो? कांतिलाल मालवी उर्फ कांजू कलाल पीपल जोपा।